Hi everyone, I'm Vishnu Priya. My registration number is TSKP 2017-174. I have been learning Carnatic music since my childhood. My first guru is my mom. I had the privilege to learn under the guidance of Dr. Karikudi Subramaniam sir and Mrs. Shankari Krishnan. My favorite singer is M.S. Subbalakshmi. அங்கையர் கண்ணீயனை மறவாதே 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 I'm very excited to participate in Texas Star Kalakar. Thank you. Namaste. I'm Sasha Singh, and I'm here to tell you about the third season of Texas Star Kalakar. Do you have a passion for singing and dancing like I do? Well, Texas Star Kalakar is the perfect platform for you to showcase your talent. Maybe you can be the next Texas Star Kalakar. Welcome to Desi Plaza TV. Hello viewers. We are having a wonderful conversation with Dr. Neeraj. So our body can heal itself. He told me that you are a physician on your own. You are a self-physician to heal your body. So let's explore more and discuss more with him about him and the facility he is from. Thank you, G. So the next question I'm going to ask you is, so we have like seen you here. And I heard that when we go to Yogram, in order to get your glimpse itself is not even feasible. So I'm curious, what do you do from the morning to evening? Your 8-hour work cycle is for us. I don't know how many hours you work. So how does it look like? Can you explain us? हम अपने आश्रम में योगग्राम में क्रोनोबायोलॉजी के आधार पर क्रोनोबायोलॉजी साइंस के आधार पर सुबह से लेकर शाम तक रोगियों का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर हर व्यक्ति नहीं हर प्राणी के अंदर हर वनस्पति के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है सर्केडियन क्लॉक होता है उस हिसाब से हमारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि को 9 बजे तक पूरा कार्यक्रम जो है खत्म हम करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो उस समय उन हवाओं में फिजाओं में इस प्रकार के वातावरण होता है ऑक्सीजन ओजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़िया होता है कि उसमें अपने आप स्वास्थ्य का नया जीवन का आनंद का सृजन होता है फिर उसके बाद हम शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारी जो पंच के कर्म है षटकर्म क्रिया है उसे हम कराते हैं जिसमें वस्ती है कुंजल क्रिया है आपके बागी क्रिया है ये अलग अलग क्रियाएं होती हैं फिर उसके बाद हमारा योग का सेशन शुरू होता है जिसमें ध्यान है आसन है प्राणायाम है ये सारे कार्यक्रम चलता है फिर उसके बाद लोगों को क्योंकि हमारा चिकित्सा का मूल लक्ष्य ये है कि मुझे सिर्फ रोगों से मुक्त करना नहीं है बल्कि रोग से मुक्त हो गए स्वस्थ हो गए तो आजीवन कैसे स्वस्थ रहें और वो जाकर के दूसरों को बताएं कि स्वस्थ रहने का तरीका क्या है ये तरीका बी योर ओन डॉक्टर अपना डॉक्टर आप बनो ये हमारा लक्ष्य है तो उनको हम प्रतिदिन एक घंटा बताते हैं कि वे ऑफ लिविंग वे ऑफ ईटिंग वे ऑफ एवरीथिंग
क्या होना चाहिए, यू वीड टू किल और यू टू लीव, ये सारी चीज़ें बताया जाता है। और इस प्रकार से जो है ये 8 बजे कार्यक्रम हमारा 8:15 बजे ख़त्म होता है। उसमें म्यूजिक थेरेपी है, उसमें डांस थेरेपी है, उसमें लाफ्टर थेरेपी है, बहुत सारे थेरेपी उसमें जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो है उसमें आपके उसके बाद जो है ब्रेक हमें मड कंप्रेस देते हैं, मड कंप्रेस के बाद ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोथेरेपी हमारा शुरू होता है और हाइड्रोथेरेपी 11:30-11:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा लंच होता है, लंच में अकॉर्डिंग द डिजीज जो है अलग अलग जूसेज है, फल है, आहार है, ये सब हम देते हैं। फिर उसके बाद जो है 3:30-4 बजे फिर हमारा मड कंप्रेस शुरू होता है, फिर उसके बाद जो है हाइड्रोथेरेपी शुरू होता है, फिर शाम को योग का कार्यक्रम चलता है और इसके बीच में रोगी हमारे डॉक्टर से जो हमारे वहाँ 15 डॉक्टर हैं, मेरे असिस्टेंट हैं, इसके अतिरिक्त जो है करीब 150 हमारे काम करने वाले जो लोग हैं, इसके अतिरिक्त 250-300 पूरा स्टाफ हमारा 400 लोगों का स्टाफ है, जहाँ पूरा जो है हमारा वहीं पर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, किसी प्रकार की केमिकल और इस सब का काम नहीं लेते हैं और विश्व के जितने भी फल हैं वो सब हम वहाँ पर ये कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम, फिर शाम को हमारा ग्रुप काउंसलिंग होता है, लोगों को हम बताते हैं वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ईटिंग योग के बाद, फिर उसके बाद उनकी सारी चीज़ें समस्याओं का हम हल करते हैं और फिर भोजन करते हैं, फिर रात्रि को 9-10 के बीच में सो जाते हैं और सुबह फिर 4 बजे, ये पूरा कार्यक्रम इस प्रकार से चलता है। और ये इस प्रकार से उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे जो अपसेट हो रहा होता है वो सेट हो जाता है और रोगी स्वस्थ होता जाता है। So, Dr. Neeraj has just shared his busy schedule and his day at Yogagram, which is a facility that can house about 400 to 500 residents. And he has a staff of 15 trained doctors under him. And he also has 400 people that are working relentlessly from morning to evening. It is, the whole day is structured around the circadian clock or the chronobiological clock, which as per the nature's demand, right? All the beings in existence, there is, the nature has installed a chronobiological clock within each of the beings. And the whole nature is balancing beautifully and living life in accordance with the laws of the nature. So wake up call is around the Brahma Muhurt in the morning. That is when the creative juices are flowing and that is when a lot of work gets done. They have the Brahma Muhurt, so that's a wake up call. And right after that, they have different therapies. Then they have, they conduct yoga for the residents over there. And after that, there is mud therapy. And then there is a session for breakfast. And after that, again, they go back to different therapies as prescribed for the various diseases, and then they have a break for lunch, and everything that is provided over there is grown and cultivated organically. So all of the produce comes from their organic farming that they do within the facility. Okay. And after that, again at 2:30 in the afternoon, they start with the mud therapy. Then they have a discussion and a talk where Dr. Neeraj gives a talk for about an hour or so on proper eating, proper living, proper living in laws with the nature and with in tune with the circadian clock or the chronobiological clock within our system. And after that, they have another session of group counseling where the people, where the residents get together, and then based on their diseases, they are given their treatments and their group counseling. And then the end of the day is around 9 or so at night when the day is called off, and then the residents go back to rest. So the whole philosophy of this is that the body can heal on its own accord, and diseases are manifesting because the circadian clock or the chronobiological clock is disturbed. So the philosophy is to bring back the chronobiological clock and the circadian clock and the rhythm in each of these residents. Thereby, they heal themselves. They become their own doctors. They are the best doctors and they are their own doctors. Seems like a lot of pampering for yourself, right? So I'm so excited. Really wanted to visit your facility, want to be a resident and take some treatments, because it's not looking like a treatment, it's looking like more of a pampering. And also I have to just research more about the chronobiological clock,
because if you are like misaligning with it, we need to be aligning with it pretty soon. So now I'm curious, want to come to Yogram? So what are the ways? Please explain us what to do it, how to schedule it. वहाँ पर आप www.yogram के उस पर जा करके आप देखेंगे तो अपने आप पता चल जाता है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं आपके सामने आ जाएगी और उसमें जो बातें बताई गई हैं वो उसके अनुसार जो है आप अप्लाई करें और आपको वहाँ पर जगह मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पर रहने की व्यवस्था हमारी करीब 500 लोगों की है और अभी लेटेस्ट तो हमने जो है काफ़ी 6-star जो है व्यवस्था भी हमने कर दिया है, जो पैसे वाले लोग हैं जो काफ़ी चाहते हैं सुख सुविधाएँ, तो सुख सुविधाओं से युक्त जो है हमारा अभी निरामयम एक अलग है सेक्शन स्वामी जी ने जो है उसको प्रारंभ किया है। क्योंकि ये सारा कार्यक्रम परम श्रद्धेय पूज्यतः स्वामी जी के संरक्षकत्व में और हमारे आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज के उनके नेतृत्व में हम उसे संचालन करते हैं और उसका जो है पूरा उसमें व्यवस्था है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सुबह हमारे हर एक रोगी के लिए एक मुस्कुराना जो है बहुत कंपल्सरी होता है, क्योंकि स्माइल जो है वहाँ पर हमने कंपल्सरी किया हुआ है। दिन भर में कम से कम 700 बार मुस्कुराना, क्योंकि हमारा एक सूत्र है कि 700 स्माइल्स ए डे कीप 6 डे अवे डॉक्टर डिजीज ड्रग्स डिप्रेशन डार्कनेस ऑफ फेस डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे। जब तक आदमी मुस्कुराता रहता है मौत भी आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, लौट कर चली जाती है। तो ये मुस्कुराना वहाँ हर एक साधक के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और इसलिए भी कि आदमी जब मुस्कुराता है ना तो उसके दिमाग से इस प्रकार के दर्जनों न्यूरोकेमिकल का सिक्रेशंस होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन एंकेफेलिन डाइनोरफिन भेजोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन ओपिओइड सबस्टांस पी, यानी दर्जनों जो हमारे जीवन में आनंद उल्लास आरोग्य उमंग ये सब भर देते हैं। इसलिए जो है मुस्कुराना वहाँ पर अत्यंत अनिवार्य है। ये कंपल्सरी किया है हमने कि हर साधक को आते ही पहला काम, सुबह उठते ही पहला काम मुस्कुराना है और उसका बहुत ही पॉजिटिव हमारे रिजल्ट आता है। क्योंकि रोगी की अधिकांशता आज स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियाँ हैं और हमारे पास जो रोगी आते हैं ना क्रोनिक रोगी आते हैं, जैसे अस्थमा हुआ, डायबिटीज़ के हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स है, पैरालिसिस है, आपके डिप्रेशन के रोगी हैं, कैंसर प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर, लास्ट अवस्था के तो हम नहीं रख पाते हैं लेकिन प्राइमरी स्टेज कैंसर, प्राइमरी स्टेज ऑफ सिजोफ्रेनिया, आपके प्राइमरी स्टेज ऑफ है पार्किंसन डिप्रेशन, ये सारी बीमारियों का हम उपचार करते हैं। जो क्रॉनिक बीमारियों का इलाज सामान्यतः अन्य चिकित्सा पद्धति में नहीं होता है तो वहाँ आकर के रोगी जो है काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। सो गोमती, इफ़ यू वुड लाइक टू गो एंड विजिट द फैसिलिटी, डॉक्टर नीरज सजेस्ट वी गो ऑन www.yogram एंड देर इज द होल स्केड्यूल एंड अवेलेबिलिटी, सो वन कैन गो एंड मेक देयर रिजर्वेशंस एंड गो एंड जॉइन द फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी कैन हाउस अबाउट 500 और सो पीपल एज आई मेंशन अर्लियर, and now they have also come up with a 6-star VIP facility, which is again it's all based on a per day fees, and depending upon what kind of luxuries and comforts we need, we can even avail the VIP facilities, right? And all kinds of chronic diseases that he has talked about, which is the first stages of cancer, arthritis, primary onset of schizophrenia, paralysis, all these diseases can be addressed at this particular facility. And the most important thing, one of the mandates at this facility is to smile. He's made it as a part of the formula for healing and for cure is to smile. Start the day with a smile. And the prescription for a number of smiles per day is about 700 smiles a day keeps the doctor away. That's the prescription. Not only that, when we smile, what happens and the chemicals and the enzymes that the brain releases are all the ones like the oxytocin, the opioids, the feel good kind of chemicals, which keeps us going on a high, and you know, naturally without any intervention or medication, and the healing gradually starts happening.
So the most important aspect of the therapy and the treatment is a smile, and smile throughout the day. Wonderfully said. Smile is very important for all of us. It will make us healthy, and it's also contagious. When you smile, this other person has to smile, right? So it's very interesting to know about it, because it's not just pampering yourself. If you have a chronic condition, we can go and heal ourselves in a natural way without any side effects, which is a very good thing. We're not going to lose anything because there are no side effects. Why don't we give it a try first, and then, you know, try other options that we have. So always they say that before you get a surgery or something, it's better to try this option, right? Yes. Rather than doing the surgery and coming back again. So can you, doctor, can you tell us what is the probability of your healing if somebody is coming to you before surgery for any condition and after surgery? दोनों स्थिति में बिफोर सर्जरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े. और सर्जरी तो एक मतलब विकल्प की अवस्था में, यदि नहीं कोई विकल्प होता है तब सर्जरी कराए, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों में हम देखा है कि सर्जरी कराते हैं लोग, फिर वो रिकरेंस हो जाता है. तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा पहले करा लें. हम बुलाते भी हैं, लोग आते भी हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं और उससे उनको लाभ मिल जाता है. कई बार कमर दर्द के ऐसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर सैंक्रल डिजनरेशन है, ऐसे रोगी मेरे पास रहे हैं जो ऑपरेशन थिएटर से लौट करके आए, और उनको हमने जो ठीक किया और वो जो है बिल्कुल अभी बढ़िया शानदार जीवन जी रहे हैं. तो किसी भी ऑपरेशन विकल्प नहीं है, क्योंकि हम एक उदाहरण देते हैं कि जो प्रकृति ने जो हमारे शरीर की अंग की संरचना बनाई है और अच्छी तरह सेट किया है, उसे कोई भी दुनिया का डॉक्टर या कोई भी उसे सेट नहीं कर सकता है. जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि आप अनार लीजिए, उसको दो खंड काट दीजिए और अनार को निकाल दीजिए. कोई सेट कर सकता है उसका जैसे प्रकृति ने सेट किया हुआ है? नहीं कर सकता है. तो ऐसे ही हमारे अंगों के साथ भी है कि यदि अंगों को हम सही ढंग से सेट नहीं कर पाते तो जीवन भर के लिए जो है गड़बड़ी रहती है. कई लोग तो कमर का ऑपरेशन कराते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का ऑपरेशन कराते हैं, रीढ़ की हड्डियों का ऑपरेशन कराते हैं, पंगू हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं. तो इसलिए जो ना, पहले हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है, उसे जरूर जो है हमें प्रयोग करना चाहिए. फिर उसके बाद अन्य चिकित्सा पद्धति अपनानी चाहिए. यदि हमारे पास नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नेचुरोपैथी के रूप में परमात्मा का दिया हुआ एक दिव्य वरदान है, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारे अंदर ही ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मोनिटरिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो रिजनेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है. ऑल आर विद इन योर बॉडी. उसे आप, यानी आपके अंदर सोया हुआ जो डॉक्टर है, उसको जगा देने का काम हमारा प्राकृतिक योग चिकित्सा करती है. तो इसलिए इसको पहले आजमाना चाहिए, इसको पहले देखना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा कोई रास्ता अपनाना चाहिए. कई हृदय रोगी मेरे पास आए, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हें तो बिना ऑपरेशन के पता नहीं कब तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन जो है कोई आवश्यकता नहीं पड़ी. तो इस प्रकार से रिवर्सिंग प्रोसेस नेचुरोपैथी के द्वारा होता है और उसका बहुत लाभ मिलता है. क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए 44 साल हो गया और 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने इनडोर एज ए इनडोर रह करके हमने इलाज किया है, लाखों आउटडोर रोगियों को हमने देखा है. तो उस अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि आप कहीं भी इधर भटकने की अपेक्षा पहले रिटर्न टू बैक टू नेचर फॉर रेडिएंट एंड वाइब्रेंट हेल्थ. और फिर उसके बाद यदि आप नहीं होता है तो फिर दूसरा विकल्प है, उसको ढूंढ लीजिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद. सो डॉक्टर नीरज सजेस्ट दैट इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर इट कॉल्स फॉर अ सर्जरी, the best option would be to resort to the naturopathic treatment prior to a surgery. That would be the first line of defense, is to go to nature. Naturally, back to right? the basics, mm-hmm. go back to the nature, right? Once we go back to the nature, try it, give it 100%, give it a good shot, and definitely, you know, body has the mechanism to reverse the condition. And if we take care of all our organs, everything that the nature has provided for us, nobody can do it for us. For example, he gives an example of a pomegranate. Once I cut the pomegranate in the half, and then I cannot put it back together. Just like the nature has given it that way. Similarly, our body, once we start tampering with it and trying to reorganize the organs within the body, it is very difficult to put it back into its original state where it was very healthy and peaceful, and all the organs were in tandem, working in tandem, right?
So it is very important to consider this as a first line of defense versus a post-operative, you know, when after all the surgeries have been done. Even then, Dr. Neeraj has been successful in trying to get some relief for some of the patients who have gone after back surgeries, right? That's a wonderful thing to know, because it's always go before your surgery. And worst case scenario, if somebody has already gone through a surgery, also don't give up and we will be able to do it. I really wanted to show you a couple of books that he has written. There are a lot of books he has written, but two of them are in English. So I grabbed it with, like, you know, a lot of fondness. There is first one is Miracles of Naturopathy and Yogic Sciences by Dr. Nagendra Kumar Neeraj. And the other book is For the True Science of Healing, Diabetes is Not Incurable by Dr. Nagendra Kumar Neeraj. So both of them are available in Amazon. You can also try pinging like amazon.co.in for the copies if you want, like Hindi versions, and all those are available in amazon.co.in as well as in amazon.com for the English versions. I would highly recommend you to have these copies, as well as please visit Yogram and schedule your appointment. Get healthy in a natural way. I really wanted to thank Dr. Nagendra Neeraj for coming in, for your all the time you have given to us. We are really privileged and blessed. चलिए आपको भी नमस्कार और सभी हमारे श्रोतागण हैं उन सबको नमस्कार कि रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर फॉर रेडिएंट हेल्थ, क्योंकि उसी के द्वारा आपके शरीर की हारमोनी, रिदम, ऑर्डर सही रहेगा, नहीं तो फिर डिजीज होगा, डिजॉर्डर होगा, डिजहारमोनी होगा. Thank you, and I also want to thank you. Thank Mrs. Prema Mysurji for thank coming you. In and give your time for doing the translation. Hi, my name is Pratiksha, 8 years old, 7th grade 3. My registration number is TSKP 2017-168. I started to learn dance when I was 4 years old and so far did more than 15 stage performance and won trophies in local competitions. My guru is my mom. My favorite dancer is Deepika Padukone. I feel really excited to participate in Star Kalakar and I will try my best to win the Star Kalakar title. Thank you. Hi everyone, my name is Vishnu Priya. My registration number is TSKP 2017-175. This is the first time I am participating in Texas Star Kalakar. I have been learning classical music since my childhood. My favorite singer is K.S. Chitra. Nee poovaikkol poovaittaan, mana poovaitthu poovaitthu poovaikkotti vaittaayo. Namaste. I'm Sasha Singh, and I'm here to tell you about the third season of Texas Star Kalakar. Do you have a passion for singing and dancing like I do? Well, Texas Star Kalakar is the perfect platform for you to showcase your talent. Maybe you can be the next Texas Star Kalakar.
I'm Ritika Vijayaraghavan. My registration number for classical singing is TSKP2017161. I love to sing. I like to sing, I like to dance, I like to draw, and I like to do many other things. But my favorite of all of those is to sing. My guru is Asha Kirti. She's the best teacher. My favorite singer of all time is K.S. Chitra. I love all her songs. I'm so excited to be participating in this amazing competition, and I just want to wish luck to all the contestants. Good luck! Hi, my name is Roshan Vijay. I'm going to be participating in the classical singing group. My registration number is TSKP2017159. I'm in sixth grade and I'm 11 years old. I go to Capel Middle School East, and my hobbies are doing tennis, assembling electronic items, singing, and so on. I like being singing out of all of them. My guru is Asha Kirti. My favorite singer is Karthik. I'm really excited to do the Texas Star Kalakar, and I hope to win the prize. Namaste. I'm Sasha Singh, and I'm here to tell you about the third season of Texas Star Kalakar. Do you have a passion for singing and dancing like I do? Well, Texas Star Kalakar is the perfect platform for you to showcase your talent. Who knows? Maybe you can be the next Texas Star Kalakar. Welcome, Desi Plaza TV viewers. Today we are here to talk about a very important topic. Revitalize your body, mind, and spirit using nature's secrets. Let's talk about you. Who is the most important, beloved person in the world? If you're going to say that it's your spouse or your kids, that's not true. Let's face the truth. It's going to be you. So, the person who is going to be talking to us today can make a big difference in you, in us, in fact, all of us. So, this person is a very special, extraordinary person who has all the nature's secrets revealed for us to use, utilize, and uncover our own body and health. The person who is with us is Dr. Nagendra Kumar Neeraj. Normally, I give an introduction. I know about that person. I'll talk about it. But this one has a big list. So I'm going to just go through his book and I'm going to tell you what all the things he's doing. The first thing is he's a chief medical in charge and director in Yogram Patanjali in Haridwar.
He is a vice president of International Naturopathy Organization in Delhi, executive member of various national and international naturopathy, yoga and vegetarian institutions, ex-health director, Balaji Nirog Dham Delhi, ex-CMO and Med director, Ajmer Basi, Sri Mahavirji Lakshmangarh Jaipur. He's also ex-zonal secretary for All India Nature Cure Federation. He has written more than 25 books, and he's a member of Yoga Naturopathy Advisory Board, Government of Rajasthan. He's an Ayurved Advisory Board, Government of Rajasthan, and many, many more. Like, we can just talk about his achievements and the things he's doing forever. So I'm going to just first introduce him, introduce y'all to him, and we are going to talk more about what he has for us. Swagatam. Namaskar. So, thanks a lot for taking the time when you're a very busy person. I heard that even if we go to Yogram, if you're going to stay for 15 days, we won't even able to get a glimpse of you. You're that busy, and we are really blessed to have you here in Dallas talking to us, to our viewers. Thanks a lot for coming to Desi Plaza TV. And I think I gave a big introduction about you with the, because the introduction is big because you have too much credentials to talk about. So when we talk about naturopathy, all our viewers will have the same kind of problem, something or the other. They'll have pain in the body somewhere. Some people have knee pain, someone will have pain in their legs, back pain, you know, neck pain, shoulder pain, whatnot. So how do we get rid of pain in a natural way? Yes. हर प्रकार के दर्द के लिए कुछ मैं सहज सरल नुस्खे बताऊंगा जो आप आसानी से घर पर कर सकते हैं. एक तो सामान्य किसी भी दर्द का निदान ये है कि कहीं भी दर्द होता है, उस दर्द का एक कारण है कि उस अंग विशेष में किसी प्रकार का सर्कुलेशन, नर्व फोर्स सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन अवरोध हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण दर्द होता है. यानी जहाँ फ्लो होगा वहाँ ग्लो होगा, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, ग्लो ख़त्म हो जाता है. कहीं भी दर्द हो, चाहे घुटने का हो, चाहे कमर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सिर का हो, चाहे कान का हो, चाहे टखने का हो, चाहे कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, तो उसे फ्लो को सही करने के लिए हम हाइड्रोथेरेपी का प्रयोग करते हैं. वैसे प्राकृतिक चिकित्सा में पंच महाभूतों का हम इलाज करते हैं. पंच महाभूत, पंच महातत्व जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, अग्नि, सूर्य, इनका जो है सम्यक हम प्रयोग करते हैं और उनके विभिन्न प्रयोगों से. तो यहां पर हम जल और अग्नि दोनों का हम प्रयोग करेंगे. सर्वप्रथम एक है भगोने में, एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे खूब अच्छी तरह से उबलता हुआ, एक भगोने में ठंडा पानी लेंगे, खूब कंट्रास्ट होगा, एकदम बहुत ठंडा बर्फ का पानी हो तो बहुत अच्छी बात है. और तीन तौलिया लेंगे, एक तौलिए को भिगोएंगे गर्म पानी में. भिगोते समय ध्यान रखेंगे कि तौलिए के दोनों छोर को पकड़ कर भिगोना है और उस गर्म पानी में मैग्नीशियम सल्फेट यानी इप्सम साल्ट और नमक डेढ़ चम्मच, दो दो चम्मच मिला देंगे और तौलिए को भिगोएंगे. भिगो करके अच्छी तरह से निचोड़ेंगे. हाथ तो उसमें गर्म पानी नहीं डालना क्योंकि उबलता हुआ पानी है तो हाथ जलने की संभावना है. तो उसे अच्छी तरह निचोड़ करके और जहाँ दर्द होता है उसको अचानक नहीं रखेंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रखेंगे ताकि हमारे सिस्टम का, उस अंग का एडॉप्टिव सिस्टम वह सक्रिय हो जाए ताकि वो बर्दाश्त करने लायक हो जाए और फिर वहाँ पर रख देंगे और ऊपर से सूखे तौलिए से ढक देंगे. 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा. ठंडे तौलिए को भी अच्छी तरह भिगो करके निचोड़ करके वहाँ इस क्रम से अल्टरनेटिव रखेंगे 3 से 4 बार. तो सीधा सा एक फिजिक्स का नियम है
कि गर्म पानी से कोई चीज़ फैलता है, ठंडे पानी से सिकुड़ता है। तो फैलने सिकुड़ने से वहाँ पर नर्व फोर्स सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों ही नियंत्रित होगा, नियमित होगा, नियोजित होगा और दर्द में तुरंत राहत मिल जाता है। तो दर्द में जहाँ तक हो सके इस गर्म ठंडा सेक का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दर्द में दवा का लेना पेट के लिए काफ़ी ख़राब होता है। जो विश्व में अनेक जो यूनिवर्सिटी में खोजे हुई है, रिसर्च हुआ है कि चाहे वो पेन किलर किसी प्रकार का हो, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ही क्यों ना हो, वो हमारे आंतों के पेट के जो ऊपर का लेयर होता है उसे क्षतिग्रस्त करता है, आंतों में सूजन पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी घाव भी अल्सर भी पैदा कर सकता है। तो इसलिए ये सबसे सरल तरीका है हॉट कोल्ड कंप्रेस, गर्म ठंडा कंप्रेस, और उसे करने से जो है राहत मिलती है। किसी कहीं भी दर्द हो, कमर का दर्द है, सिर का दर्द है, तो उसमें तुरंत राहत मिल जाती है। फिर उसके बाद इस गर्म ठंडा कंप्रेस के अतिरिक्त हमारे खान पान का भी हम ध्यान रखते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे दर्द को दूर करने में सहायता मिले। इसमें जैसे मेथी है, किसी प्रकार का दर्द हो तो मेथी में नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी दवा का काम करता है, हर प्रकार के सूजन को दूर करने में सहायता करता है। तो मेथी को रात को भिगो दें और सुबह उसके पानी को अलग कर दें, मेथी को अलग कर दें और मेथी के पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें नींबू निचोड़ कर पिए। तो नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे उस अंग विशेष के कार्टिलेज और जो अन्य हमारे सिनोवियल फ्लूइड है, सिनोवियल मेम्ब्रेन है, कोलेजन है, उसके निर्माण में सहायता करता है। तो नींबू काफ़ी उपयोगी है, नींबू निचोड़ करके मेथी के पानी में, और जो मेथी बच जाता है उसे अंकुरित करने वाले पॉट में रख दें या बर्त कपड़े में बांध करके उसे अंकुरित कर लें, तो उसे दूसरे दिन से आप आराम से खाएं तो हर प्रकार के दर्द को नष्ट करने में, चाहे अर्थराइटिस हो और चाहे सामान्य किसी प्रकार का दर्द हो, तो उसमें जो मौजूद कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इसके अतिरिक्त उसमें और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो काम करता है। स्वागत। He has given a beautiful solution called hydrotherapy, and who we have Prema Mysore, Mrs. Prema Mysore with us, who is a wonderful acupressure specialist, but she came here to translate from Hindi to English for all our viewers to understand. So I want to first thank Mrs. Prema Mysore ji for coming in here for doing the service for us. So now she can translate all the tips which Dr. Neeraj ji gave in English for us. Thank you, Gomati, and it's a great pleasure and honor to be here to help and facilitate the translation. And it's indeed an honor to work with the honorable Dr. Neeraj Kumar from Haridwar. We just heard in Hindi about the tips for any kind of pain relief, whether it is a back pain, hip pain, knee pain, ankle pain, neck pain, shoulder pain. Any kind of pain can be relieved through a natural process without any medical intervention or without the use of any kind of anti-inflammatory or anti-analgesic pills. I'll just quickly briefly mention what Dr. Neeraj said. The side effects would be taking a non-steroidal anti-inflammatory drug could actually efface the lining of the stomach and also create some ulcers. So here we have a tip as to how we can relieve this kind of a pain. Basically, what we do is use this hydrotherapy and the fire therapy. So we are going to use hot and cold compression alternatively. How do we do that? We take three different containers, and in one container we are going to put hot water, and then in the other container we are going to put cold water. Hot needs to be almost boiling water. And then we have cold, which could even be ice cold water, and then regular room temperature water. We take three pieces of hand towel and then hold the edges of the towel and
dip it in the hot water and then squeeze it and get and extract all of the hot water. Be very careful not to dip your hand or your fingers in the hot water container. Also, it's helpful to add some Epsom salt and regular sea salt into the hot water container. And then you just squeeze it and get rid of all the hot water. And then wherever there is localized pain, you take that and very gently just give it a massage. And just put it on and remove it, put it on and remove it, put it on and remove it. Then alternate that with the cold water. Take the same towel, take another towel, dip it in the second container that has got ice cold water. And then you just extract and squeeze out all of the cold water. Take it and then just go and dab the localized area. You keep it and take a dry towel and put it on that and give it a little bit of a pressure when you're doing that. And alternate this for 3 to 4 times, hot and cold. The science behind it is that with heat, there is an expansion, and with cold, there is a contraction. Pain is experienced because of the circulation disruption. It could be the life force circulation, it could be blood circulation, heat circulation, any kind of a disruption or an abnormality in the circulation causes pain. So what the heat, alternate heat and the cold does is that it expands the area, the nerves, and it also will be contracting it, thereby bringing a balance in the flow and also in the circulation. This is a practical application, and it is extremely simple and very effective and also very, very practical. No need of any other ingredients other than your water, towel, container, Epsom salt and sea salt. Dr. Neeraj has also prescribed using fenugreek seeds, or in Indian stores it is available as methi seeds. Take these seeds, take maybe at 1 tablespoon of seeds, and then soak it in about 100 ml of water overnight. Soak this water, next morning you strain the water and separate the seeds from the water and take a piece of lemon, fresh lime or fresh lemon, squeeze it in the methi or fenugreek water and you just drink it. Fenugreek seeds and the fenugreek water has a medicinal property. It is innately, intrinsically, it is anti-inflammatory and anti-analgesic, amongst all other medicinal properties as well. So a combination of drinking the methi seeds water with fresh lime or lemon and the hot cold compression will relieve any kind of pain. Now what do we do with the seeds that were soaked? After the separation, after the straining of the water, you take the seeds and sprout it, and it is extremely good for health. And you sprout it and you can just use it as a salad, addition to your own salad, and eat it every day, and you will experience many, many other benefits, not just pain relief, but there are many other benefits that one can experience with this treatment. That's wonderful. Thanks a lot for explaining. So I just want to clarify the hydrotherapy, the cold and the hot water. So they have like hot water is like how many minutes it is? It's 3 minutes, right? About two to three minutes. And 3 minutes for hot water and the 2 minutes. Water is for 2 minutes. Alternative. So alternate that. So I guess viewers, from today on, we have a beautiful, wonderful, natural solution for any kind of pain. Thanks a lot for watching. My name is Roshan Vijay. I'm going to be participating in the non-classical singing group. My registration
number is TSKP2017160. I'm in 6th grade and I'm 11 years old. I go to Kapow Middle School East. My favorite singer is Karthik and my guru is Asha Kirti. My hobbies are to sing, to play tennis, to assemble electronic goods, and so on. I'm really excited to participate in the Texas Star Color Card, and I hope to win the prize. Ritika Vijayaraghavan. My registration number for non-classical singing is TSKP2017162. I love to sing. It's my favorite out of all my hobbies. My guru is Asha Kirti. I love my teacher so much. My favorite singer of all time is K.S. Chitra. I love all her songs. I'm very excited to be participating in this competition, and I'm so glad to have this amazing opportunity. I want to wish luck to every single contestant. Good luck! Namaste. I'm Sasha Singh and I'm here to tell you about the third season of Texas Star Kalakar. Do you have a passion for singing and dancing like I do? Well, Texas Star Kalakar is the perfect platform for you to showcase your talent. Who knows, maybe you can be the next Texas Star Kalakar. Hello viewers, let's return to nature for radiant and vibrant health. As we are speaking with Dr. Neeraj, we are learning quite a bit of information. So there are times we are having certain problems like emergency situations. A kid has having a burn, there is a sprain. So those kind of situations, can we have any quick tips in naturopathy that we can follow so that way we don't damage it worse, we can have a healing faster? इमरजेंसी में जैसे किसी को चोट लग जाता है, जल जाता है, मोच आ जाती है, उसमें जल से बेहतर कोई चिकित्सा नहीं हो सकती है. जलने में जल से जो अंग जल गया है उसे जहाँ तक हो सके पानी में डुबा कर रखें, पानी की पट्टियाँ दें तो उसमें तुरंत राहत मिल जाती है. उसी प्रकार से चोट लग जाता है कहीं, किसी प्रकार का मोच आ जाता है तो उसमें भी बर्फ़ की पट्टी या खूब ठंडे पानी के तौलिया को भिगो करके, बर्फ नहीं मिलता है तो ठंडे पानी के तौलिए को हम ये दे सकते हैं, उसको लपेट कंप्रेस दे सकते हैं. एक इंटरनेशनल लेवल पर एक सूत्र है राइस एंड माइस, यानी कहीं भी चोट लग जाए तो उस अंग को रेस्ट देना चाहिए, आइस कंप्रेस देना चाहिए और एलिवेशन ऊपर उठा कर रखना चाहिए और माइस यानी उसे
मोमेंट देते रहना चाहिए, आई से आइस कम, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन, यानी उस अंग को रेस्ट दें, आइस कंप्रेस दें और उसे उठा करके रखें, ये बहुत ही चमत्कारिक लाभ करता है। इसी प्रकार से मोच आ जाती है कहीं अचानक, तो वहाँ बर्फ़ की सेकाई या ठंडे पानी की पट्टी, जैसे मान लीजिए कहीं बर्फ़ नहीं मिलता है बहुत ऐसी जगह, तो तौलिया भिगो करके खूब हवा में झटक करके और उस पर हम जो है ठंडी पट्टी रखते हैं तो उसे काफ़ी राहत मिल जाती है। उसी प्रकार से कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जैसे मुझे हमेशा याद आता है कि सुबह सुबह 6 बजे एक बच्चा मेरे पास आया, उसका करीब 36-37 घंटे से पेशाब रुक गया था, बच्चा तड़फड़ा रहा था। अब ऐसी स्थिति में उसको आते ही हमने एक तौलिया लिया, खूब ठंडे पानी में डुबो करके 4-5 तक करके पेशाब की जगह नाभि के नीचे रखा, विदिन 5 to 10 मिनट बिल्कुल पेशाब खुल करके आया और बच्चा आराम से नींद से सो गया। इस प्रकार से पेट में कहीं भी तकलीफ होती है, पेट में गैस बन जाता है, एसिडिटी बन जाती है, पेट में किसी प्रकार की जो है घरघराहट, फरफराहट, सरसराहट जैसी कुछ अप्रिय संवेदनाएं होती हैं, तो उसमें ठंडी पट्टी जो है तौलिया भिगोया, निचोड़ा और वहाँ पर रख दिया खूब ठंडे पानी का, तो इसे बड़ी राहत मिल जाती है। बुखार हो जाता है, बुखार में सिर पर गीला तौलिया भिगोया, निचोड़ा, सिर पर गीला तौलिया, नाभि के नीचे गीला तौलिया, गर्दन के नीचे तौलिया, 103-104 डिग्री बुखार में तुरंत राहत देता है। इस प्रकार से विषम परिस्थिति में हाइड्रोथेरेपी का बहुआयामी प्रयोग है, और वैसे तो हम काफ़ी इसका हमारे यहाँ तो करीब 200 टेक्निक हैं अलग अलग हाइड्रोथेरेपी के, जिसमें फुल सीट पैक है, आपके ये हिप बात है, स्पाइनल बात है, जेट स्पाइनल बात है, जेट स्प्रे स्पाइनल बात है, सर्कुलर बात है, व्हर्लपूल बात है, तो कई सारे टेक्निक हैं जो हम उस वहाँ पर उपयोग करते हैं अलग अलग रोगों में। लेकिन घर पर ये कुछ प्रयोग जो हमने बताया आसानी से हो सकता है और उसका जो है लाभ उठाया जा सकता है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, लेट्स से फॉर इंस्टेंस देयर समबडी हैज हैड अ बर्न, even in these situations hydrotherapy is the best therapy. So in case of a burn, the first line of remedy would be to soak the area of burn in cold water, and if cold water, there's no ice available, you can also take a towel and dip it in cold water and also place it in the area of the burn. Best would be to soak that area in cold water. Secondly, in case of a injury or a wound, in that situation also the best would be to apply some ice and an ice pack on that area. If the ice pack is not available or if ice is not available, again resort to something very practical, like take a hand towel, dip it in very cold water and pat it around the wound area and then cover the wound area. Same remedy can be used for a sprain as well. Take a cold towel, dip it in cold water, rinse it and spin it, and then just put it over the sprained area. Doctor gave us a very interesting situation where he had a 6-year-old little boy who had not passed urine for over 36 to 40 hours, and he was brought to him in a state of emergency. At that point, what he did was he took cold water towel, dipped in cold water, and he spread it over this kid's genitals, and within a few minutes this little boy started urinating, and he was immediately relieved of the retention that was there in his body. Also, when there is high fever, when one is experiencing very high fever, even at that time cold water hydrotherapy is the best. You take some towels, dip it in cold water, and then put it below your navel, on the forehead and also on the neck. So in this way, we can use some of the home remedies to address any kind of an emergency situation, for a burn, for an injury, for a sprain, and for fever.
Wonderful. Thanks for having a detailed answer on the emergency points. So there are, like, as you mentioned, the fever is a common one for everybody. And the burns is especially when they're having, we don't know what to do. We will definitely will think about something which you have read and we would have make a bad decision. And then the kid will be suffering with the scar for a long time. So this is a very good, like a lot of good tips for our viewers. So let's ask the next question. So normally when I was in India, I didn't have much allergies. So I didn't have any pollen allergy. I never had a fruit allergy. So there are a lot of allergies which we are developing when we move from India to US. So what kind of things which we can do to, and also here, not for me, but like many kids have nut allergies. So there are like many kinds of allergies, like dairy allergies, they cannot have milk. So there are all these things, can we have natural cure for those? Allergy kai prakar ka ho sakta hai. Aur allergy mein kya hai ki koi bahar ki cheeze allergen ho chahe जो हमारे शरीर में जा कर के प्रतिक्रिया पैदा करता है, कुछ ऐसी मास्टर सेल्स होते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार के हिस्टामिन हैं और उसमें और बहुत सारे केमिकल, उसको रिएक्शन करके उसको जो है कोशिकाओं को बिल्कुल तोड़ देते हैं, जिससे जो है ना कई प्रकार के छींक आ सकती है, पेट में डायरिया हो सकता है, आपके दमा हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, तो कई प्रकार के एलर्जी देखने को मिलता है। अलग अलग आहार से हो सकता है, अलग अलग पंख से हो सकता है, धूल से हो सकता है, किसी को वातावरण के कारण ये वातावरण चेंज होता है उसके कारण भी हो सकता है, किसी को जो है ऊनी कपड़े से हो सकता है, उलन से हो सकता है, खान पान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें जो है लोगों के अलग अलग, जैसे दूध हुआ, मूँगफली हुआ, आपके कुछ लोगों के पपीता से भी हो जाता है, तो ऐसे कई प्रकार के, और उसका एक ही कारण है, मूल कारण है कि हमारे शरीर में जो रेजिस्टेंस पावर है, जो डिफेंस मेकानिज्म है, उसकी कमी हो रही है, वाइटिलिटी है, इनेट है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, लोअर वाइटिलिटी, लोअर रेजिस्टेंस पावर, तो उस रेजिस्टेंस पावर को इनक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसे इंक्रीज करने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग कराते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में मूल ये है कि भाई रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टीवेशन हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर, ये इनसे शरीर में टॉक्सिक मैटर इकट्ठा होता है, विजातीय पदार्थ निकलता है, बनता है, जिसे टॉक्सिक मैटर, बॉडी मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, जब तक वो सिस्टम को डिटॉक्सिफाई नहीं करें तब तक एलर्जी से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी टेम्प्रेरी रूप में जो हम एलर्जी के कुछ इलाज करते हैं, जैसे मान लो जुकाम हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, एलर्जी की रिनाइटिस हो जाता है, तो उस अवस्था में हमें इसका अजवाइन का भाप जो है ना बहुत उपयोगी होता है, तो स्टीमर होता है, लोकल जो है मार्केट में मिल भी जाता है, तो उसमें पानी में डाल करके अजवाइन और उसका भाप जो है आपके चेहरे का, नाक का, छाती का, गले का देते हैं, उसमें गले की लपेट भी बांध देते हैं आपके, इसके अतिरिक्त जो है करीब 25 ग्राम 25 मिलीलीटर सरसों का तेल लें, उसमें 6-7 लहसुन, 5 ग्राम अदरक, 6-7 लौंग, काली मिर्च 10-12, इसे कूट करके अच्छी तरह से, और अजवाइन करीब 7-10 ग्राम कूट करके और उस तेल में और गर्म करें, जब लहसुन और अदरक का पानी जल जाए तो उसे उतार करके रख लें और उसे जो है रात्रि को सोते समय हथेली पगतली के मालिश करें, एक बूंद नाक में डाल करके और वो अजवाइन का जो भाप दें, तो इससे जो है अद्भुत लाभ मिलता है, 1-2 दिन में ही, 1 दिन में ही करीब करीब जो है ये एलर्जी के जो आपके रिनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, उसमें तुरंत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है पेट की, ये क्या नाम है, आपके दूध की एलर्जी है बहुत लोगों की, तो दूध की एलर्जी वालों को, रोगियों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि
कि दूध ना दे करके उसे दही बना करके और थोड़ा थोड़ा दें, ताकि जो ना सिस्टम हमारा उसे एडॉप्ट करने में समर्थ हो जाए, क्योंकि दूध और दही में बहुत गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। उसको संस्कारित, दूध को संस्कारित करते हैं तो दही बन जाता है, उसको छाछ बना करके थोड़ा थोड़ा दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्रोबायोसिस का निर्माण हो जाता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस केसी, लैक्टोबैसिलस बल्गारिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इत्यादि दर्जनों जो है उसमें आपके प्रोबायोसिस पैदा होते हैं, जो हमारे यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे पेट के जो माइक्रोबायोसिस है, आपके जो यानी पेट की इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी को माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी उसको जो है इंक्रीज करते हैं, भांति भांति के जो है हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है उसको सपोर्ट करते हैं, जिससे जो है एलर्जी की स्थिति जो है धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। और उसमें जो मूल रूप से जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज का रूपांतरण हो जाता है जिससे जो है आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस जो स्थिति पैदा होती है वो भी कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से जो ना छाछ या दही का प्रयोग करते हुए इसका जो है, और मूंगफली वगैरह का एलर्जी हो जाती है बच्चों को, तो मैं तो कहूँगा कि भाई माताओं को जब गर्भावस्था में होती है ना, तो उसे माताओं को जो ना मूंगफली थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ताकि होने वाले बच्चे को भविष्य में मूंगफली से या जो भी इस प्रकार का आहार है उससे एलर्जी से वो बच्चा जो ना, क्योंकि उसके प्रति उसके अंदर जो है सहनीय क्षमता पैदा हो जाती है और एलर्जी होने की संभावना खत्म हो जाती है, एलर्जी नहीं होती है। So allergies can be of different kinds, you know, environmental energy allergies, food allergies, dust allergy, pollen allergy, and the basic reason when the people develop allergies is because of the low defense mechanism of the body or the system, or low immunity power or the low resistance power. So the Dr. Nagendra here is recommending that how do we enhance our immune system and our immunity powers. So basically all of these conditions, rhinitis, sinusitis, any kind of allergy, is to reinforce our immune system and to build our immune system. So first of all, he has talked about the preparation of a certain oil for the purposes of sinusitis and any other allergies, where it is more of a practical application on the palms and the soles of the feet. Here what we do is we take mustard oil, and then we add about 5 to 6 cloves of garlic in that, and add some ajwain in that, and add some black pepper seeds in that, and then give it a little boil, and then cool it, and then take this oil and do the oil application on the palms and the soles of the feet. In case of severe congestion in the nasal area, and the sinusitis and the head and the rhinitis, the best remedy here is to take a few seeds of ajwain, and then to use our steamer or vaporizer and add these seeds and take the steam and inhale that. With that, there is an immediate relief in the congestion in the head and the nasal region, and also in the throat region. So next, he has talked about lactose intolerance. So basically, when the probiosis and the ecosystem of our gut is disturbed, that is when there is this kind of gastrointestinal allergies, food allergies are being developed. For that, Dr. Neeraj suggests that we, instead of taking milk, is to make yogurt at home with the culture, with the live culture, and try to take yogurt, homemade yogurt or buttermilk, in order to build the immune system and to increase the probiosis in the component in the gut, and to increase and enhance gut health. Lastly but least, he talked about the peanut allergy, which we find is very common here. His suggestion is that when a woman is pregnant, it's a good idea to start eating peanuts, so that the child will not develop any allergies, or maybe even eat different kinds of nuts in order to reduce the probability of the child having any kind of allergies in the future. The best way to consume peanuts and nuts is to soak them overnight and then eat it next morning. I think it's
nice detailed tips on many kinds of allergies that we are going through. Thanks a lot for both of you to explain in detail, because normally we just take Zyrtec or whatever, we just immediately pop in a pill and just get through this allergies. But it is not solving the problem, it's only reducing the symptoms for us. So it's very good, there is no side effects, we can always try it, and thanks a lot for the tips. Everyone, my registration number is TSKP2017-163. Singing is my passion. My mom and dad inspired me to sing. Shreya Ghoshal is one of my favorite singers. My singing teacher's name is Rashmi Nanavati. Last year, I participated in Star Kalakar and I was one of the finalists. This year, I'm excited to participate, and I hope that I win. Hi everyone, I'm Vishnu Priya. My registration number is TSKP2017-174. I have been learning Carnatic music since my childhood. My first guru is my mom. I had the privilege to learn under the guidance of Dr. Karikudi Subramaniam sir and Mrs. Shankari Krishnan. My favorite singer is M.S. Subramaniam. அங்கயர் கண்ணீயடைனே மரவாரே. Namaste. I'm Sasha Singh, and I'm here to tell you about the third season of Texas Star Kalakar. Do you have a passion for singing and dancing like I do? Well, Texas Star Kalakar is the perfect platform for you to showcase your talent. Maybe you can be the next Texas Star Kalakar. Welcome to Desi Plaza TV. Hello viewers. We are having a wonderful conversation with Dr. Neeraj. So our body can heal itself. He told me that you are a physician on your own. You are a self-physician to heal your body. So let's explore more and discuss more with them about him and the facility he is from. Thank you, G. So the next question I'm going to ask you is, so we have like seen you here, and I heard that when we go to Yogram, in order to get your glimpse itself is not even feasible. So I'm curious, what do you do from the morning to evening? Your 8-hour work cycle is for us. I don't know how many hours you work. So how does it look like? Can you explain us? हम अपने आश्रम में योगग्राम में
क्रोनोबायोलॉजी के आधार पर, क्रोनोबायोलॉजी साइंस के आधार पर सुबह से लेकर शाम तक रोगियों का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति नहीं, हर प्राणी के अंदर, हर वनस्पति के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, सर्केडियन क्लॉक होता है। उस हिसाब से हमारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि को 9 बजे तक पूरा कार्यक्रम जो है ख़त्म हम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो उस समय उन हवाओं में, फिजाओं में इस प्रकार के वातावरण होता, ऑक्सीजन ओजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़िया होता है कि उसमें अपने आप स्वास्थ्य का, नया जीवन का, आनंद का सृजन होता है। फिर उसके बाद हम शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमारी जो पंच के कर्म है, षटकर्म क्रिया है, उसे हम कराते हैं, जिसमें वस्ती है, कुंजल क्रिया है, आपके बागी क्रिया है, ये अलग अलग क्रियाएं होती हैं। फिर उसके बाद हमारा योग का सेशन शुरू होता है, जिसमें ध्यान है, आसन है, प्राणायाम है, ये सारे कार्यक्रम चलता है। फिर उसके बाद लोगों को, क्योंकि हमारा चिकित्सा का मूल लक्ष्य ये है कि मुझे सिर्फ रोगों से मुक्त करना नहीं है, बल्कि रोग से मुक्त हो गए, स्वस्थ हो गए तो आजीवन कैसे स्वस्थ रहें, और वो जाकर के दूसरों को बताएं कि स्वस्थ रहने का तरीका क्या है। ये तरीका, बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर आप बनो, ये हमारा लक्ष्य है। तो उनको हम प्रतिदिन 1 घंटा बताते हैं कि वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ एवरीथिंग क्या होना चाहिए, यू वीड टू किल और यू टू लीव, ये सारी चीज़ें बताया जाता है। और इस प्रकार से जो है ये 8 बजे कार्यक्रम हमारा 8:15 बजे ख़त्म होता है। उसमें म्यूजिक थेरेपी है, उसमें डांस थेरेपी है, उसमें लाफ्टर थेरेपी है, बहुत सारे थेरेपी उसमें जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो है उसमें आपके, उसके बाद जो है ब्रेक, हमें मड कंप्रेस देते हैं, मड कंप्रेस के बाद ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोथेरेपी हमारा शुरू होता है, और हाइड्रोथेरेपी 11:30-11:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा लंच होता है, लंच में अकॉर्डिंग द डिजीज जो है, अलग अलग जूसेज हैं, फल हैं, आहार है, ये सब हम देते हैं। फिर उसके बाद जो है शाम 3:30-4 बजे फिर हमारा मड कंप्रेस शुरू होता है, फिर उसके बाद जो है हाइड्रोथेरेपी शुरू होता है, फिर शाम को योग का कार्यक्रम चलता है, और इसके बीच में रोगी हमारे डॉक्टर से, जो हमारे वहाँ 15 डॉक्टर हैं, मेरे असिस्टेंट हैं, इसके अतिरिक्त जो है करीब 150 हमारे काम करने वाले जो लोग हैं, इसके अतिरिक्त 350-300 पूरा स्टाफ हमारा, 400 लोगों का स्टाफ है, जहाँ पूरा जो है हमारा, वहीं पर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, किसी प्रकार की केमिकल और इस सब का काम नहीं लेते हैं, और विश्व के जितने भी फल हैं वो सब हम वहाँ पर ये कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम, फिर शाम को हमारा ग्रुप काउंसलिंग होता है, लोगों को हम बताते हैं वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ईटिंग योग के बाद, फिर उसके बाद उनकी सारी चीज़ें, समस्याओं का हम हल करते हैं, और फिर भोजन करते हैं, फिर रात्रि को 9-10 के बीच में सो जाते हैं, और सुबह फिर 4 बजे, ये पूरा कार्यक्रम इस प्रकार से चलता है। और ये इस प्रकार से उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे जो अपसेट हो रहा होता है वो सेट हो जाता है, और रोगी स्वस्थ होता जाता है। So, Dr. Neeraj has just shared his busy schedule and his day at Yogagram, which is a facility that can house about 400 to 500 residents. And he has a staff of 15 trained doctors under him. And he also has 400 people that are working relentlessly from morning to evening. It is, the whole day is structured around the circadian clock or the chronobiological clock, which as per the nature's demand, right? All the beings in existence, there is, the nature has installed a chronobiological clock within each of the beings. And the whole nature is balancing beautifully and living life in accordance with the laws of the nature. So wake-up call is around the Brahma Muhurt in the morning. That is when the creative juices are flowing, and that is when a lot of work gets done. They have the Brahma Muhurt, so that's a wake-up call. And right after that, they have different therapies. Then they have they conduct yoga for the residents over there. And after that, there is mud therapy. And then there is a session for breakfast. And after that, again, they go back to different therapies as prescribed for the various diseases, and then they have a break for lunch, and everything that is provided over there is grown and cultivated organically. So all of the produce comes from their organic farming that they do within the facility.
Okay. And after that, again at 2:30 in the afternoon, they start with the mud therapy. Then they have a discussion and a talk where Dr. Neeraj gives a talk for about an hour or so on proper eating, proper living, proper living in laws with the nature, and with in tune with the circadian clock or the chronobiological clock within our system. And after that, they have another session of group counseling where the people, where the residents get together, and then based on their diseases, they are given their treatments and their group counseling. And then the end of the day is around 9 or so at night when the day is called off, and then the residents go back to rest. So the whole philosophy of this is that the body can heal on its own accord, and diseases are manifesting because the circadian clock or the chronobiological clock is disturbed. So the philosophy is to bring back the chronobiological clock and the circadian clock and the rhythm in each of these residents. Thereby, they heal themselves. They become their own doctors. They are the best doctors, and they are their own doctors. Seems like a lot of pampering for yourself, right? So I'm so excited. Really wanted to visit your facility, want to be a resident and take some treatments, because it's not looking like a treatment, it's looking like more of a pampering. And also I have to just research more about the chronobiological clock, because if you are like misaligning with it, we need to be aligning with it pretty soon. So now I'm curious, want to come to Yogram. So what are the ways? Please explain us what to do, how to do it, how to schedule it. आप www.yogram के उस पर जा करके आप देखेंगे तो अपने आप पता चल जाता है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं आपके सामने आ जाएगी और उसमें जो बातें बताई गई हैं वो उसके अनुसार जो है आप अप्लाई करें और आपको वहाँ पर जगह मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पर रहने की व्यवस्था हमारी करीब 500 लोगों की है और अभी लेटेस्ट तो हमने जो है काफ़ी 6-star जो है व्यवस्था भी हमने कर दिया है, जो पैसे वाले लोग हैं जो काफ़ी चाहते हैं सुख सुविधाएं, तो सुख सुविधाओं से युक्त जो है हमारा अभी निरामयम एक अलग है सेक्शन स्वामी जी ने जो है उसको प्रारंभ किया है। क्योंकि ये सारा कार्यक्रम परम श्रद्धेय पूज्यतः स्वामी जी के संरक्षकत्व में और हमारे आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज के उनके नेतृत्व में हम उसे संचालन करते हैं और उसका जो है पूरा उसमें व्यवस्था है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सुबह हमारे हर एक रोगी के लिए एक मुस्कुराना जो है बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि स्माइल जो है वहाँ पर हमने कंपलसरी किया हुआ है। दिन भर में कम से कम 700 बार मुस्कुराना, क्योंकि हमारा एक सूत्र है कि 700 स्माइल्स ए डे कीप 6 days अवे डॉक्टर डिजीज ड्रग्स डिप्रेशन डार्कनेस ऑफ फेस डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे। जब तक आदमी मुस्कुराता रहता है मौत भी आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, लौट कर चली जाती है। तो ये मुस्कुराना वहाँ हर एक साधक के लिए अत्यंत अनिवार्य है, और इसलिए भी कि आदमी जब मुस्कुराता है ना तो उसके दिमाग से इस प्रकार के दर्जनों न्यूरोकेमिकल का सिक्रेशंस होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन एंकेफेलिन डाइनोर्फिन वेजोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन ओपिओइड सबस्टांस पी, यानी दर्जनों जो हमारे जीवन में आनंद उल्लास आरोग्य उमंग ये सब भर देते हैं। इसलिए जो है मुस्कुराना वहाँ पर अत्यंत अनिवार्य है, ये कंपलसरी किया है हमने कि हर साधक को आते ही पहला काम, सुबह उठते ही पहला काम मुस्कुराना है, और उसका बहुत ही पॉजिटिव हमारे रिजल्ट आता है। क्योंकि रोगी की अधिकांशता आज स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियाँ हैं, और हमारे पास जो रोगी आते हैं ना क्रोनिक रोगी आते हैं, जैसे अस्थमा हुआ, डायबिटीज के हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजॉर्डर्स है, पैरालिसिस है, आपके डिप्रेशन के रोगी हैं, कैंसर प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर, लास्ट अवस्था के तो हम नहीं रख पाते हैं लेकिन प्राइमरी स्टेज कैंसर, प्राइमरी स्टेज ऑफ सिजोफ्रेनिया, आपके प्राइमरी स्टेज ऑफ है पार्किंसन डिप्रेशन, ये सारी बीमारियों का हम उपचार करते हैं। जो क्रॉनिक बीमारियों का इलाज सामान्यतः अन्य चिकित्सा पद्धति में नहीं होता है तो वहाँ आकर के रोगी जो है काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। So Gomati, if you would like to go and visit the facility, Dr. Neeraj suggests we go on www.yogram, and there is the whole schedule and the availability, so one can go and make their reservations
and go and join the facility. This facility can house about 500 or so people, as I mentioned earlier. And now they have also come up with a 6-star VIP facility, which is, again, it's all based on a per day fees. And depending upon what kind of luxuries and comforts we need, we can even avail the VIP facilities, right? And all kinds of chronic diseases that he has talked about, which is the first stages of cancer, arthritis, primary onset of schizophrenia, paralysis, all these diseases can be addressed at this particular facility. And the most important thing, one of the mandates at this facility, is to smile. He's made it as a part of the formula for healing and for cure, is to smile. Start the day with a smile. And the prescription for a number of smiles per day is about 700 smiles a day keeps the doctor away. That's the prescription. Not only that, when we smile, what happens, and the chemicals and the enzymes that the brain releases are all the ones like the oxytocin, the opiates, the feel good kind of chemicals, which keeps us going on a high, and you know, naturally, without any intervention or medication, and the healing gradually starts happening. So the most important aspect of the therapy and the treatment is a smile, and smile throughout the day. Wonderfully said. Smile is very important for all of us. It will make us healthy, and it's also contagious. When you smile, this other person has to smile, right? So it's very interesting to know about it, because it's not just pampering yourself. If you have a chronic condition, we can go and heal ourselves in a natural way without any side effects, which is a very good thing. We're not going to lose anything because there are no side effects. Why don't we give it a try first, and then, you know, try other options that we have. So always they say that before you get a surgery or something, it's better to try this option, right? Yes. Rather than yes, doing yes. the surgery and coming back again. So can you, doctor, can you tell us what is the probability of your healing if somebody is coming to you before surgery for any condition and after surgery? दोनों स्थिति में बिफोर सर्जरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े. और सर्जरी तो एक मतलब विकल्प की अवस्था में, यदि नहीं कोई विकल्प होता है तब सर्जरी कराए, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों में हम देखा है कि सर्जरी कराते हैं लोग, फिर वो रिकरेंस हो जाता है. तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा पहले करा लें. हम बुलाते भी हैं, लोग आते भी हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं और उससे उनको लाभ मिल जाता है. कई बार कमर दर्द के ऐसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर सैंक्रल डिजनरेशन है, ऐसे रोगी मेरे पास रहे हैं जो ऑपरेशन थिएटर से लौट करके आए और उनको हमने जो ठीक किया और वो जो है बिल्कुल अभी बढ़िया शानदार जीवन जी रहे हैं. तो किसी भी ऑपरेशन विकल्प नहीं है, क्योंकि हम एक उदाहरण देते हैं कि जो प्रकृति ने जो हमारे शरीर की अंग की संरचना बनाई है और अच्छी तरह सेट किया है, उसे कोई भी दुनिया का डॉक्टर या कोई भी उसे सेट नहीं कर सकता है. जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि आप अनार लीजिए, उसको दो खंड काट दीजिए और अनार को निकाल दीजिए. कोई सेट कर सकता है उसका जैसे प्रकृति ने सेट किया हुआ है? नहीं कर सकता है. तो ऐसे ही हमारे अंगों के साथ भी है कि यदि अंगों को हम सही ढंग से सेट नहीं कर पाते तो जीवन भर के लिए जो है गड़बड़ी रहती है. कई लोग तो कमर का ऑपरेशन कराते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का ऑपरेशन कराते हैं, रीढ़ की हड्डियों का ऑपरेशन कराते हैं, पंगू हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं. तो इसलिए जो ना, पहले हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था है, उसे जरूर जो है हमें प्रयोग करना चाहिए, फिर उसके बाद अन्य चिकित्सा पद्धति अपनानी चाहिए. यदि हमारे पास नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नेचुरोपैथी के रूप में परमात्मा का दिया हुआ एक दिव्य वरदान है, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारे अंदर ही ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो रिजनेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है. ऑल आर विद इन योर बॉडी. उसे आप, यानी आपके अंदर सोया हुआ जो डॉक्टर है, उसको जगा देने का काम हमारा प्राकृतिक योग चिकित्सा करती है. तो इसलिए इसको पहले आजमाना चाहिए, इसको पहले देखना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा कोई रास्ता अपनाना चाहिए. कई हृदय रोगी मेरे पास आए, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हें तो बिना ऑपरेशन के पता नहीं कब तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन जो है कोई आवश्यकता नहीं पड़ी. तो इस प्रकार से रिवर्सिंग प्रोसेस नेचुरोपैथी के द्वारा होता है और उसका बहुत लाभ मिलता है.
क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए 44 साल हो गया और 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने इनडोर एज ए इनडोर रह करके हमने इलाज किया है, लाखों आउटडोर रोगियों को हमने देखा है। तो उस अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि आप कहीं भी इधर भटकने की अपेक्षा पहले रिटर्न टू बैक टू नेचर फॉर रेडियंट एंड वाइब्रेंट हेल्थ, और फिर उसके बाद यदि आप नहीं होता है तो फिर दूसरा विकल्प है उसको ढूंढ लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो डॉक्टर नीरज सजेस्ट दैट इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर इट कॉल्स फॉर अ सर्जरी द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू रिजॉर्ट टू द नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट prior to a surgery. That would be the first line of defense, is to go to nature, Naturally, back to the basics, go back to the nature, right? Once we go back to the nature, try it, give it 100%, give it a good shot, and definitely, you know, body has the mechanism to reverse the condition. And if we take care of all of our organs, everything that the nature has provided for us, nobody can do it for us. For example, he gives an example of a pomegranate. Once I cut the pomegranate in the half, and then I cannot put it back together, just like the nature has given it that way. Similarly, our body, once we start tampering with it and trying to reorganize the organs within the body, it is very difficult to put it back into its original state where it was very healthy and peaceful, and all the organs were in tandem, working in tandem, right? So it is very important to consider this as a first line of defense versus a post-operative, you know, when after all the surgeries have been done. Even then, Dr. Neeraj has been successful in trying to get some relief for some of the patients who have gone after back surgeries, right? That's a wonderful thing to know, because it's always go before your surgery, and worst case scenario, if somebody has already gone through a surgery also, don't give up and we will be able to do it. I really wanted to show you a couple of books that he has written. There are a lot of books he has written, but two of them are in English. So I grabbed it with, like, you know, a lot of fondness. There is, first one is Miracles of Naturopathy and Yogic Sciences by Dr. Nagendra Kumar Neeraj. And the other book is For the True Science of Healing, Diabetes is Not Incurable by Dr. Nagendra Kumar Neeraj. So both of them are available in Amazon. You can also try pinging like amazon.co.in for the copies if you want, like Hindi versions, and all those are available in amazon.co.in as well as in amazon.com for the English versions. I would highly recommend you to have these copies, as well as please visit Yogram and schedule your appointments. Get healthy in a natural way. I really wanted to thank Dr. Nagendra Neeraj ji for coming in, for your all the time you have given to us. We are really privileged and blessed. चलिए आपको भी नमस्कार, और सभी हमारे श्रोतागण हैं उन सबको नमस्कार, कि रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर फॉर रेडियंट हेल्थ, क्योंकि उसी के द्वारा आपके शरीर की हारमोनी, रिदम, ऑर्डर सही रहेगा, नहीं तो फिर डिजीज होगा, डिजॉर्डर होगा, डिजहारमोनी होगा। थैंक यू, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू, थैंक मिसेस प्रेमा मैसूर जी फॉर कमिंग इन एंड गिव योर टाइम फॉर डूइंग द ट्रांसलेशन। Hi, my name is Pratiksha, 8 years old, studying grade 3. My registration number is TSKP 2017-168. I started to learn dance when I was 4 years old and so far did more than 15 stage performance and won trophies in local competitions. My guru is my mom. My favorite dancer is Deepika Padukone. I feel really excited to participate in Star Kalakar, and I will try my best to win the Star Kalakar title. Thank you. Hi everyone, my name is Vishnu Priya. My registration number is TSKP 2017-175. This is the first time I'm participating in Texas Star Kalakar. I have been learning classical music since my childhood. My favorite singer is K.S. Chitra. Nee poovaikkol poovaittaan, mana poovaitthu poovaitthu poovaikkotti vaittaayo. Thene vazhai illada, naan vaanaan amaindhu.
you. Namaste. I'm Sasha Singh, and I'm here to tell you about the third season of Texas Star Kalakar. Do you have a passion for singing and dancing like I do? Well, Texas Star Kalakar is the perfect platform for you to showcase your talent. Maybe you can be the next Texas Star Kalakar. I'm Ritika Vijayaraghavan. My registration number for classical singing is TSKP2017161. I love to sing. I like to sing, I like to dance, I like to draw, and I like to do many other things. But my favorite of all of those is to sing. My guru is Asha Kirti. She's the best teacher. My favorite singer of all time is K.S. Chitra. I love all her songs. I'm so excited to be participating in this amazing competition, and I just want to wish luck to all the contestants. Good luck! Hi, my name is Roshan Vijay. I'm going to be participating in the classical singing group. My registration number is TSKP2017159. I'm in sixth grade and I'm 11 years old. I go to Kapow Middle School East, and my hobbies are doing tennis, assembling electronic items, singing, and so on. I like being singing out of all of them. My guru is Asha Kirti. My favorite singer is Karthik. I'm really excited to do the Texas Star Kalakar, and I hope to win the prize. Namaste. I'm Sasha Singh, and I'm here to tell you about the third season of Texas Star Kalakar. Do you have a passion for singing and dancing like I do? Well, Texas Star Kalakar is the perfect platform for you to showcase your talent. Who knows? Maybe you can be the next Texas Star Kalakar.
Welcome, Desi Plaza TV viewers. Today we are here to talk about a very important topic. Revitalize your body, mind, and spirit using nature's secrets. Let's talk about you. Who is the most important, beloved person in the world? If you're going to say that it's your spouse or your kids, that's not true. Let's face the truth. It's going to be you. So the person who is going to be talking to us today can make a big difference in you, in us, in fact, all of us. So this person is a very special, extraordinary person who has all the nature's secrets revealed for us to use, utilize, and uncover our own body and health. The person who is with us is Dr. Nagendra Kumar Neeraj. Normally, I give an introduction. I know about that person. I'll talk about it, but this one has a big list. So I'm going to just go through his book, and I'm going to tell you what all the things he's doing. The first thing is, he's the chief medical in charge and director in Yogram Patanjali in Haridwar. He's a vice president of International Naturopathy Organization in Delhi, executive member of various national and international naturopathy, yoga, and vegetarian institutions, ex-health director, Balaji Nirog Dham, Delhi, ex-CMO and med director, Ajmer Basi, Sri Mahavirji Lakshmangar, Jaipur. He's also ex-zonal secretary for All India Nature Cure Federation. He has written more than 25 books, and he's a member of Yoga Naturopathy Advisory Board, Government of Rajasthan. He's an Ayurveda Advisory Board, Government of Rajasthan, and many, many more. Like, we can just talk about his achievements and the things he's doing forever. So I'm going to just first introduce y'all to him, and we are going to talk more about what he has for us. Swagat. Namaskar. So thanks a lot for taking the time when you're a very busy person. I heard that even if we go to Yogram, if you're going to stay for 15 days, we won't even able to get a glimpse of you. You're that busy, and we are really blessed to have you here in Dallas talking to us, to our viewers. Thanks a lot for coming to Desi Plaza TV. And I think I gave a big introduction about you with the, because the introduction is big because you have too much credentials to talk about. So when we talk about naturopathy, all our viewers will have the same kind of problem, something or the other. They'll have pain in the body somewhere. Some people have knee pain, someone will have pain in their legs, back pain, you know, neck pain, shoulder pain, whatnot. So how do we get rid of pain in a natural way? Yes. हर प्रकार के दर्द के लिए कुछ मैं सहज सरल नुस्खे बताऊंगा जो आप आसानी से घर पर कर सकते हैं. एक तो सामान्य किसी भी दर्द का निदान ये है कि कहीं भी दर्द होता है, उस दर्द का एक कारण है कि उस अंग विशेष में किसी प्रकार का सर्कुलेशन, नर्व फोर्स सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन अवरोध हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण दर्द होता है. यानी जहाँ फ्लो होगा वहाँ ग्लो होगा, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, ग्लो खत्म हो जाता है. कहीं भी दर्द हो, चाहे घुटने का हो, चाहे कमर का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सिर का हो, चाहे कान का हो, चाहे टखने का हो, चाहे कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, तो उसे फ्लो को सही करने के लिए हम हाइड्रोथेरेपी का प्रयोग करते हैं. वैसे प्राकृतिक चिकित्सा में पंच महाभूतों का हम इलाज करते हैं. पंच महाभूत, पंच महातत्व जिसको हम बोलते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, अग्नि, सूर्य, इनका जो है सम्यक हम प्रयोग करते हैं और उनके विभिन्न प्रयोगों से. तो यहां पर हम जल और अग्नि दोनों का हम प्रयोग करेंगे. सर्वप्रथम एक है भगोने में, एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे, खूब अच्छी तरह से उबलता हुआ,
एक भगोने में ठंडा पानी लेंगे, खूब कंट्रास्ट होगा, एकदम बहुत ठंडा बर्फ का पानी हो तो बहुत अच्छी बात है। और तीन तौलिया लेंगे, एक तौलिए को भिगोएंगे गर्म पानी में, भिगोते समय ध्यान रखेंगे कि तौलिए के दोनों छोर को पकड़ कर भिगोना है, और उस गर्म पानी में मैग्नीशियम सल्फेट यानी इप्सम साल्ट और नमक डेढ़ डेढ़ चम्मच दो दो चम्मच मिला देंगे और तौलिए को भिगोएंगे, भिगो करके अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। हाँ, तो उसमें गर्म पानी नहीं डालना क्योंकि उबलता हुआ पानी है तो हाँ जलने की संभावना है, तो उसे अच्छी तरह निचोड़ करके और जहाँ दर्द होता है उसको अचानक नहीं रखेंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रखेंगे ताकि हमारे सिस्टम का उस अंग का एडॉप्टिव सिस्टम वह सक्रिय हो जाए ताकि वह बर्दाश्त करने लायक हो जाए, और फिर वहाँ पर रख देंगे और ऊपर से सूखे तौलिए से ढक देंगे। 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, ठंडे तौलिए को भी अच्छी तरह भिगो करके निचोड़ करके वहाँ इस क्रम से अल्टरनेटिव रखेंगे 3 से 4 बार। तो सीधा सा एक फिजिक्स का नियम है कि गर्म पानी से कोई चीज़ फैलता है, ठंडे पानी से सिकुड़ता है, तो फैलने सिकुड़ने से वहाँ पर नर्व फोर्स सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों ही नियंत्रित होगा, नियमित होगा, नियोजित होगा और दर्द में तुरंत राहत मिल जाता है। तो दर्द में जहाँ तक हो सके इस गर्म ठंडा सेक का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दर्द में दवा का लेना पेट के लिए काफ़ी ख़राब होता है, जो विश्व में अनेक जो यूनिवर्सिटी में खोजे हुई है, रिसर्च हुआ है कि चाहे वो पेन किलर किसी प्रकार का हो, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही क्यों ना हो, वो हमारे आंतों के पेट के जो ऊपर का लेयर होता है उसे क्षतिग्रस्त करता है, आंतों में सूजन पैदा कर सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी घाव भी अल्सर भी पैदा कर सकता है। तो इसलिए ये सबसे सरल तरीका है हॉट कोल्ड कंप्रेस, गर्म ठंडा कंप्रेस, और उसे करने से जो है राहत मिलती है। किसी कहीं भी दर्द हो, कमर का दर्द है, सिर का दर्द है, तो उसमें तुरंत राहत मिल जाती है। फिर उसके बाद इसे गर्म ठंडा कंप्रेस के अतिरिक्त हमारे खान पान का भी हम ध्यान रखते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे दर्द को दूर करने में सहायता मिले। इसमें जैसे मेथी है, किसी प्रकार का दर्द हो तो मेथी में नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी दवा का काम करता है, हर प्रकार के सूजन को दूर करने में सहायता करता है। तो मेथी को रात को भिगो दें और सुबह उसके पानी को अलग कर दें, मेथी को अलग कर दें और मेथी के पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें नींबू निचोड़ कर पिए, तो नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे उस अंग विशेष के कार्टिलेज और जो अन्य हमारे सैनोबल फ्लूइड है, सैनोबल मेम्ब्रेन है, कोलेजन है, उसके निर्माण में सहायता करता है। तो नींबू काफ़ी उपयोगी है, नींबू निचोड़ करके मेथी के पानी में, और जो मेथी बच जाता है उसे अंकुरित करने वाले पॉट में रख दें या बर्फ कपड़े में बांध करके उसे अंकुरित कर लें, तो उसे दूसरे दिन से आप आराम से खाएं तो हर प्रकार के दर्द को नष्ट करने में, चाहे आर्थराइटिस हो और चाहे सामान्य किसी प्रकार का दर्द हो, तो उसमें जो मौजूद कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इसके अतिरिक्त उसमें और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो काम करता है। स्वागत। He has given a beautiful solution called hydrotherapy, and who we have Prema Mysore, Mrs. Prema Mysore with us, who is a wonderful acupressure specialist, but she came here to translate from Hindi to English for all our viewers to understand. So I want to first thank Mrs. Prema Mysore ji for coming in here for doing the service for us. So now she can translate all the tips which Dr. Neeraj ji gave in English for us. Thank you, Gomati, and it's a great pleasure and honor to be here to help and facilitate the translation. And it's indeed an honor to work with the honorable Dr. Neeraj Kumar from Haridwar. We just heard in Hindi about
the tips for any kind of pain relief, whether it is a back pain, hip pain, knee pain, ankle pain, neck pain, shoulder pain, any kind of relief, any kind of pain can be relieved through a natural process without any medical intervention or without the use of any kind of anti-inflammatory or anti-analgesic pills. I'll just quickly briefly mention what Dr. Neeraj said. The side effects would be taking a non-steroidal anti-inflammatory drug could actually efface the lining of the stomach and also create some ulcers. So here we have a tip as to how we can relieve this kind of a pain. Basically what we do is use this hydrotherapy and the fire therapy. So we are going to use hot and cold compression alternatively. How do we do that? We take three different containers, and in one container we are going to put hot water, and then in the other container we are going to put cold water. Hot needs to be almost boiling water, and then we have cold, which could even be ice cold water, and then regular room temperature water. We take three pieces of hand towel and then hold the edges of the towel and dip it in the hot water and then squeeze it and get and extract all of the hot water. Be very careful not to dip your hand or your fingers in the hot water container. Also, it's helpful to add some Epsom salt and regular sea salt into the hot water container. And then you just squeeze it and get rid of all the hot water. And then wherever there is localized pain, you take that and very gently just give it a massage. And just put it on and remove it, put it on and remove it, put it on and remove it. Then alternate that with the cold water. Take the same towel, take another towel, dip it in the second container that has got ice cold water. And then you just extract and squeeze out all of the cold water. Take it and then just go and dab the localized area. You keep it and take a dry towel and put it on that and give it a little bit of a pressure when you're doing that. And alternate this for 3 to 4 times, hot and cold. The science behind it is that with heat, there is an expansion, and with cold, there is a contraction. Pain is experienced because of the circulation disruption. It could be the life force circulation, it could be blood circulation, heat circulation, any kind of a disruption or an abnormality in the circulation causes pain. So what the heat, alternate heat and the cold does is that it expands the area, the nerves, and it also will be contracting it, thereby bringing a balance in the flow and also in the circulation. This is a practical application, and it is extremely simple and very effective and also very, very practical. No need of any other ingredients other than your water, towel, container, Epsom salt and sea salt. Dr. Neeraj has also prescribed using fenugreek seeds, or in Indian stores it is available as methi seeds. Take these seeds, take maybe at 1 tablespoon of seeds, and then soak it in about 100 ml of water overnight. Soak this water, next morning you strain the water and separate the seeds from the water and take a piece of lemon, fresh lime or fresh lemon, squeeze it in the methi or fenugreek water and you just drink it. Fenugreek seeds and the fenugreek water has a medicinal property. It is innately, intrinsically, it is anti-inflammatory and anti-analgesic, amongst all other medicinal properties as well. So a combination of drinking the methi seeds water with fresh lime or lemon and the hot cold compression will relieve any kind of pain. Now what do we do with the seeds that were soaked? After the separation, after the straining of the water, you take the seeds and sprout it. And it is extremely good for health. And you sprout it and you can just use it as a salad, addition to your own salad, and eat it every day. And you will experience
many, many other benefits, not just pain relief, but there are many other benefits that one can experience with this treatment. That's wonderful. Thanks a lot for explaining. So I just want to clarify the hydrotherapy, the cold and the hot water. So they have like hot water is like how many minutes it is? It's 3 minutes, right? About three minutes. 2 to 3 minutes. And 3 minutes for hot water and the 2 minutes. Water is for 2 minutes. Alternate that. So I guess viewers, from today on, we have a beautiful, wonderful, natural solution for any kind of pain. Thanks a lot for watching. Hi, my name is Roshan Vijay. I'm going to be participating in the non-classical singing group. My registration number is TSKP2017-160. I'm in 6th grade and I'm 11 years old. I go to Kapal Middle School East. My favorite singer is Karthik and my guru is Asha Kirti. My hobbies are to sing, to play tennis, to assemble electronic goods, and so on. I'm really excited to participate in the Texas Star Color Card, and I hope to win the prize. I'm Ritika Vijayaraghavan. My registration number for non-classical singing is TSKP2017-162. I love to sing. It's my favorite out of all my hobbies. My guru is Asha Kirti. I love my teacher so much. My favorite singer of all time is K.S. Chitra. I love all her songs. I'm very excited to be participating in this competition, and I'm so glad to have this amazing opportunity. I want to wish luck to every single contestant. Good luck! Namaste. I'm Sasha Singh, and I'm here to tell you about the third season of Texas Star Kalakar. Do you have a passion for singing and dancing like I do? Well, Texas Star Kalakar is the perfect platform for you to showcase your talent. Who knows? Maybe you can be the next Texas Star Kalakar. Hello viewers, let's return to nature for radiant and vibrant health. As we are speaking with Dr. Neeraj,
we are learning quite a bit of information. So there are times we are having certain problems, like emergency situations. A kid has having a burn, there is a sprain. So those kind of situations, can we have any quick tips in naturopathy that we can follow so that way we don't damage it worse, we can have a healing faster? इमरजेंसी में जैसे किसी को चोट लग जाता है, जल जाता है, मोच आ जाती है, उसमें जल से बेहतर कोई चिकित्सा नहीं हो सकती है. जलने में जल से जो अंग जल गया है उसे जहाँ तक हो सके पानी में डुबा करके रखें, पानी की पट्टियाँ दें तो उसमें तुरंत राहत मिल जाती है. उसी प्रकार से चोट लग जाता है कहीं, किसी प्रकार का मोच आ जाता है तो उसमें भी बर्फ़ की पट्टी या खूब ठंडे पानी के तौलिया को भिगो करके, बर्फ़ नहीं मिलता है तो ठंडे पानी के तौलिए को हम ये दे सकते हैं, उसको लपेट कंप्रेस दे सकते हैं. एक इंटरनेशनल लेवल पर एक सूत्र है राइस एंड माइस, यानी कहीं भी चोट लग जाए तो उस अंग को रेस्ट देना चाहिए, आइस कंप्रेस देना चाहिए और एलिवेशन ऊपर उठाकर रखना चाहिए और माइस यानी उसे मूवमेंट देते रहना चाहिए, आई से आइस कम, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन, यानी उस अंग को रेस्ट दें, आइस कंप्रेस दें और उसे उठा करके रखें. ये बहुत ही चमत्कारी के लाभ करता है. इसी प्रकार से मोच आ जाती है कहीं अचानक, तो वहाँ बर्फ़ की सेकाई या ठंडे पानी की पट्टी, जैसे मान लीजिए कहीं बर्फ़ नहीं मिलता है बहुत ऐसी जगह, तो तौलिया भिगो करके खूब हवा में झटक करके और उस पर हम जो है ठंडी पट्टी रखते हैं तो उसे काफ़ी राहत मिल जाती है. उसी प्रकार से कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जैसे मुझे हमेशा याद आता है कि एक सुबह सुबह 6 बजे एक बच्चा मेरे पास आया, उसका करीब 36-37 घंटे से पेशाब रुक गया था, बच्चा तड़फड़ा रहा था. अब ऐसी स्थिति में उसको आते ही हमने एक तौलिया लिया, खूब ठंडे पानी में डुबो करके 4-5 तक करके पेशाब की जगह नाभि के नीचे रखा, विदिन 5 to 10 मिनट बिल्कुल पेशाब खुल करके आया और बच्चा आराम से नींद से सो गया. इस प्रकार से पेट में कहीं भी तकलीफ होती है, पेट में गैस बन जाता है, एसिडिटी बन जाती है, पेट में किसी प्रकार की जो है घरघराहट, फरफराहट, सरसराहट जैसी कुछ अप्रिय संवेदनाएं होती हैं, तो उसमें ठंडी पट्टी जो है तौलिया भिगोया, निचोड़ा और वहाँ पर रख दिया खूब ठंडे पानी का, तो इसे बड़ी राहत मिल जाती है. बुखार हो जाता है, बुखार में सिर पर गीला तौलिया भिगोया, निचोड़ा, सिर पर गीला तौलिया, नाभि के नीचे गीला तौलिया, गर्दन के नीचे तौलिया, 103-104 डिग्री बुखार में तुरंत राहत देता है. इस प्रकार से विषम परिस्थिति में हाइड्रोथेरेपी का बहुआयामी प्रयोग है और वैसे तो हम काफ़ी इसका, हमारे यहाँ तो करीब 200 टेक्निक हैं अलग अलग हाइड्रोथेरेपी के, जिसमें फुल सीट पैक है, आपके ये हिप बात है, स्पाइनल बात है, जेट स्पाइनल बात है, जेट स्प्रे स्पाइनल बात है, सर्कुलर बात है, व्हर्लपूल बात है, तो कई सारे टेक्निक हैं जो हम उस वहाँ पर उपयोग करते हैं अलग अलग रोगों में. लेकिन घर पर ये कुछ प्रयोग जो हमने बताया आसानी से हो सकता है और उसका जो है लाभ उठाया जा सकता है. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, लेट्स से फॉर इंस्टेंस समबडी हैज हैड अ बर्न, even in these situations hydrotherapy is the best therapy. So in case of a burn, the first line of remedy would be to soak the area of burn in cold water. And if cold water, there's no ice available, you can also take a towel and dip it in cold water and